नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों मित्रों, दिनांक 10 जून 2023 से शनि का प्रकोप बढ़ गया है मित्रों, और अब आपके जीवन में बड़ा उथल पुथल मचने वाला है मित्रों। वीडियो बहुत खास होने वाली है, एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। आइए मित्रों, सबसे पहले अगर हम नजर डालें पंचांग पर, तो 10 जून को मित्रों शनिवार का वार है, साथ में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। और आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त शतभिषा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। वही मित्रों, विषकुंभ एवं प्रीति नामक योग भी बन रहा है। तो वहीं अगर सूर्य की स्थिति देखें, तो सूर्य तो वृषभ राशि में विराजमान रहेगा, लेकिन दूसरी ओर चंद्रमा जो है मित्रों, वह कुंभ राशि पर संचार करेगा। तो अब ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्षत्रों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, समस्त बातें समस्त ग्रहों की चाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बताई गई एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, और मित्रों इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय एवं सिद्ध मंत्र भी लेकर आए हैं, जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर होंगे। तो आइए सबसे पहले तो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, और कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मित्रों 7 बार ओम शनिश्चराय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि हमेशा हंसते रहिए, चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो मुस्कुराते रहिए। क्योंकि मित्रों, जीवन में अगर आप परेशानियों में ज़्यादा उलझेंगे तो सिर्फ आपको परेशानियाँ मिलेगी। इसलिए मित्रों, परेशानियों से घबराएं नहीं, मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। तो गुरु जी के इस ज्ञान को अपने जीवन में मित्रों अमल करते हुए बढ़ते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की ओर। मित्रों, समय बहुत शुभ है। आपको बता देते हैं कि बेकार के वाद विवादों से दूर रहकर आपको अपने कार्यों पर ध्यान देना है। साथ ही मित्रों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सबके साथ व्यवहार मधुर बनाकर रखें। साथ ही मित्रों, आपको बता देते हैं कि बहुत बढ़िया सुखद समय की शुरुआत होगी। मित्रों, आपको बता देते हैं कि शुरुआत में शुभता और सौभाग्य के लिए ग्रह आपके जीवन में दस्तक देंगे। आपके लिए यह दिन मेहनत भरा रहने वाला है, और व्यापार में वृद्धि होने से आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन आपको अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी उतना फल नहीं मिल पाएगा जितनी आपने मेहनत की थी। इस वजह से मित्रों, आपका दिल थोड़ा सा दुख जाएगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा मित्रों।
आप अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटें और लेन देन के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। कार्य क्षेत्र में यदि मेहनत करनी पड़ेगी तो उससे आप पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने प्रियजनों से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है और आप किसी काम में बिल्कुल भी ढील ना बरतें। और घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलाएगी। मित्रों, आपको अपने किसी प्रियजन की ओर से कोई शुभ सूचना भी सुनने को मिल सकती है। और सांसारिक सुख भोग के साधनों में यह समय वृद्धि लेकर आने वाला है। परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य से अपनी बात मनवाने की जिद ना करें, नहीं तो इससे उन्हें भी कष्ट होगा और आपको भी कष्ट होगा। और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। मित्रों, किसी संपत्ति संबंधित मामले में आपको जीत मिल सकती है, लेकिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए यह समय थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मित्रों, आप दिखावे के चक्कर में अत्यधिक धन व्यय कर सकते हैं, जिसके लिए बाद में आपको पछतावा होगा और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों, आपको अपने मन की बात सुननी है और अपने दिल का कहा मानना है। आपको लोगों की बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाना है। और हाँ, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने से बहुत कुछ आप प्राप्त करेंगे। आप किसी आवश्यक काम में ढील ना दें, नहीं तो समस्या हो सकती है। और किसी पृथक संपत्ति संबंधित मामले में चुप रहना बहुत बेहतर रहेगा। मित्रों, बता देते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में यह समय कुछ कमजोर रहने वाला है। तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लें। आपको अपनी अच्छी सोच का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आपने कोई महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में लिया तो बाद में आपको इससे समस्या होगी और कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर का काम बोझ आ सकता है, लेकिन फिर भी आप मुश्किल काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। मित्रों, नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा रहेगा। भाई बहनों का साथ, आपसी प्रेम बना रहेगा और आप दिनचर्या में यदि किसी बदलाव करने की सोचेंगे तो इससे काफी काम लटक सकते हैं। किसी भी काम की पूरी जानकारी मिले बिना उसमें हाथ ना डालें और जल्दबाजी से कोई काम बिगड़ सकता है। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय। मित्रों, नींबू का एक छोटा सा उपाय है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो उसे एक नींबू और चार लौंग साथ लेकर हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। वहां जाकर हनुमान जी के सामने नींबू के ऊपर लौंग लगाए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद नींबू को जब किसी कार्य के लिए जाएं तो अपने साथ ले जाएं। इस उपाय को करने से आपको सफलता मित्रों जरूर मिलेगी। वही मित्रों, आपको बता देते हैं कि यदि सुख समृद्धि चाहते हैं तो मित्रों आपको बता देते हैं कि दो मुखी रुद्राक्ष घर में लेकर आए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनके लिए दो मुखी रुद्राक्ष सबसे अधिक लाभकारी होता है। यह आंतरिक शांति देता है और एकाग्रता शक्ति बढ़ाता है और यह व्यक्ति को सुख शांति धन लाभ प्रदान करता है तथा वैवाहिक जीवन में एकता और रोमांस लाता है। दो मुखी रुद्राक्ष नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव करता है और सकारात्मक ऊर्जाओं का निर्माण करता है। तो मित्रों, वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी
इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी